अदा शर्मा का हुआ एक्सीडेंट, ट्विटर पर अपने हेल्थ को लेकर दी अपडेट। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा इन दिनों काफी सुर्खियों में चल रही हैं। जहां पर एक्ट्रेस की फिल्म द कैरल स्टोरी काफी सुर्खियों में चल रही थी, वहीं अदा शर्मा ने इस फिल्म के जरिए अपने फैंस के दिलों में जगह बना ली थी। लेकिन एक बार फिर से अदा शर्मा आ गई हैं सुर्खियों में। लेकिन इस बार अदा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में आ गई है। दरअसल 14 मई को अदा शर्मा का हो गया है एक्सीडेंट, जहां पर अदा शर्मा की कंडीशन को बताया जा रहा है काफी गंभीर। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म द कैरल स्टोरी को लेकर काफी सुर्खियों में है। लेकिन अब एक्ट्रेस अदा शर्मा को लेकर आ गई है बुरी खबर, जहां पर एक्ट्रेस अदा शर्मा और डायरेक्टर सुदीप पतो सेन का 14 मई को रोड एक्सीडेंट हो गया था। अदा शर्मा और सुदीप्तो सेन एक हिंदू यात्रा में शामिल होने के लिए करीम नगर जा रहे थे। इस दौरान वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस द केरल स्टोरी की एक्ट्रेस और डायरेक्टर को लेकर काफी प्रेयर्स कर रहे हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक ट्वीट कर अपनी हेल्थ का अपडेट दिया है। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने ट्वीट करते हुए अपना हेल्थ अपडेट किया। एक्ट्रेस ने बताया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे एक्सीडेंट की खबर से लोग काफी उदास हो गए हैं, लेकिन मेरी पूरी टीम, हम सब ठीक है। कुछ भी गंभीर नहीं हुआ है, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन चिंता के लिए धन्यवाद। अदा शर्मा के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। अदा शर्मा के इस ट्विटर पोस्ट पर उनके फैंस ने काफी उन्हें वेलविश किया है। अदा शर्मा के इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है कि आप अपना डबल ध्यान रखो ताकि आप ऐसी दूसरी फिल्म भी बना सको। आगे की खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।